धनबाद में अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षकों ने रणधीर प्रसाद वर्मा चौक के पास पदयात्रा निकाली। इन लोगों की मांग है कि छत्तीसगढ़ और बिहार की तर्ज पर इन लोगों को भी स्थायी करने, समान काम समान वेतन दिया जाए। इस पदयात्रा में पारा शिक्षकों के साथ उनके बच्चे भी शामिल हुए और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। समान काम का समान वेतन और छत्तीसगढ़ की तरह नियमावली हमें दे सरकार, जो हमारे झारखंड में रघुवर जी वो भी छत्तीसगढ़ के हैं। हम लोग कुछ और ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ वो हमें छत्तीसगढ़ की ही नियमावली हम पे लागू कर दे और हम पारा शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दे। आज बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं क्या जी? ये हमारी न्याय यात्रा है। हमारे साथ जो रघुवर सरकार ने लाठी चार्ज किया है उनके लिए हमने ये न्याय यात्रा समय मैंने निकाला है, और प्लस हमारे साथ अगवा साथी को भी अभी तक नहीं छोड़ा। हमारे 281 शिक्षकों को उन्होंने जेल में रखा, उसमें महिला शिक्षिका भी 33 थी, और उन लोगों पे अत्याचार किया गया। अभी तक हमारे साथ नेतागण अभी तक अंदर है, उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यात्रा गोल्फ ग्राउंड से शुरू होकर बेकार बांध से DRM चौक होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई। यात्रा में पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिले के हजारों पारा शिक्षक शामिल हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।